विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT खड़गपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने पान के पत्तों से तेल को अलग करने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। यह आसवन यानी डिस्टिलेशन उपकरण है, जिसमें पान के पत्तों को गर्म कर वाष्प के रूप में तेल निकाला जाता है। मौजूदा उपकरणों की तुलना में इस उपकरण से ऊर्जा की 30% बचत होती है तथा पान के पत्तों से 16% ज्यादा तेल निकलता है तथा अपशिष्ट में कमी आती है। IIT खड़गपुर के प्रोफेसर प्रशांत गुहा के नेतृत्व में कृषि एवं खाद्य इंजीनियरिंग विभाग के अनुसंधानकर्ताओं के समूह ने यह तकनीक विकसित की है। प्रोफेसर गुहा ने बताया कि पान की पत्तियां उगाने वालों के लिए यह उपकरण किफायती है, क्योंकि 10 लीटर यूनिट वाले उपकरण को बनाने की कीमत 10,000 जबकि 20 लीटर यूनिट वाले उपकरण की कीमत महज 20,000 रुपए है। उन्होंने कहा कि इस उपकरण को छोटे किसान भी आसानी से अपने पास रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल कर एक व्यक्ति प्रतिदिन 3 पालियों में हर बार 10 से 20 मिलीलीटर तेल निकाल सकते हैं। पान के 100 ml तेल की कीमत गुणवत्ता के आधार पर 6,000 से 10,000 रुपए तक होती है। बता दें कि देश में पान की पत्तियों का सालाना कारोबार 900 करोड़ का है, लेकिन इनमें से 10% पत्तियां रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो जाती हैं। बहुत कम किसान तेल निकालने का कार्य कर पाते हैं। पान के तेल की दवा, कॉस्मेटिक्स एवं कई अन्य औद्योगिक इस्तेमाल होते हैं। प्रोफेसर गुहा ने कहा कि इस उपकरण के इस्तेमाल में समय की भी 44% बचत होती है। यह तकनीक 20 संस्थाओं को हस्तांतरित की जा चुकी है, साथ ही IIT ने इसका पेटेंट भी फाइल किया है।